ट्राई टू डील विथ व्हाट जिम्नोसोम। तो हम जिम्नोसोम के बारे में क्या करेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बता, आप में से कितने लोगों ने ये प्लांट देखा है, ऐसे कितने महात्मा लोग हैं जिन्होंने ये प्लांट देखा है आप में से। देखा है, देखा है, ओके। तो बहुत सारे लोग ने देखा नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। चलिए सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर। अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग द जिम्नोस्पर्म, है ना, तो यहाँ कुछ कुछ चीजें ये गार्डन के अंदर कभी ना कभी देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा है। ये साइकस है आपका, रिमेम्बर दिस इज व्हाट योर साइकस, ये साइकस है, और ये साइकस का ही वन ऑफ द टाइप बोल सकते हैं, साइकस ओहुलिस, ओके, साइकस ओहुलिस ये है, साइकस ये एक तरीके से, लेकिन इसके जो ये स्ट्रक्चर्स दिखाया गया है, ठीक है, अलग अलग देखते हैं, अभी फिलहाल के लिए याद रखो, इसके अंदर कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखता है, क्या है कैसे है पढ़ेंगे, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिम्नोस्पर्म। भाई ये जिम्नोस्पर्म का मीनिंग क्या है, जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या है, जिम्नोस का मतलब होता है, उस दिन बताया था नेकेड, ये पढ़ा था हमने, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने देखा सीड हैबिटेट जो है, सीड हैबिटेट पहली बार किसके अंदर मिला, जिम्नोसोम के अंदर मिला, जिम्नोसोम दूसरा कौन है, एंजियोस्पर्म। ये हमने इवोल्यूशन जब पढ़ रहे थे उस समय हमें इसके बारे में जानकारी मिली थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके अंदर क्या मिला, सीड हैबिटेट मिला था इन लोगों के अंदर, राइट। सो जिम्नोस मतलब नेकेड, स्पर्मेटा स्पर्मा मतलब सीड, इनकी सीड नेकेड रहती है, ये हमने पहली बार थी बेसिक के अंदर जाना है, बेसिक के अंदर बहुत सारे लोग इसके बारे में आइडिया आ चुके होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज हम डील करते हैं, द प्लांट इन विच ओहूल्स आर नॉट एनक्लोज बाय द ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो एक चीज याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ डायग्राम निकालता हूँ। ये देखिए, ये आपके अगर मान लीजिए ये एंजियोस्पर्म के केस में कुछ ऐसा आपको ओहरी मिलता है, आपने देखा होगा, और आप जानते होंगे कि सर ये ओहरी के अंदर क्या मिलता है, इसी ओहरी के अंदर, भाई तेरे को क्या हो गया, चलना, ठीक है, इसी ओहरी के अंदर क्या मिलता है आपको, ओहुल मिलता है, यहाँ पे आपको ओहुल मिलता है, राइट। और आप में से कितने लोग जानते हैं कि ओहुल का जो ऊपर के जो ये ओहरी है, वो जो ओहरी है ओहरी से बनता है फ्रूट, ओहरी से क्या बनता है फ्रूट, और जो ओहुल है अंदर का ये वाला ओहुल, उस ओहुल से बनता है सीड, इससे क्या बनता है सीड, ये प्रिंसिपल है, ये चीज याद रखो, ये फैक्ट है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे मेरे ख्याल से, इस चीज को नॉलेज नो रिगार्डिंग दिस, पता है सबको, हाँ तो जानते हैं इसके बारे में, ठीक है, यस गुड, 10th में पढ़ा था, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए, ये खासियत किसकी, ऐसा किसके अंदर दिखता है, ये मिलता है आपको एंजियोस्पर्म के अंदर, That occur in the angiosperm. Angiosperm का एग्जाम्पल देख सकते, मैंगो, बहुत सारा मैंगो हो गया, चीकू हो गया, सबकी सीड फ्रूट के अंदर रहती है। तो ये ओहरी से क्या बनता है, ओहरी से बनता है फ्रूट और ओहुल से बनता है सीड। लेकिन देखिए जिम्नोस्पर्म के अंदर दिक्कत क्या, देखिए तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट बताया इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्या बताया गया यहाँ पे, बताया जा रहा है कि देखिए कि इन टर्म्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, जिम्नोस्पर्म प्लांट इन विच ओहुल्स आर नॉट एनक्लोज बाय द ओहरी वॉल, बंदे के पास ओहरी वॉल नहीं है, अगर ओहरी वॉल नहीं है, ओहुल ऐसे बाहर पड़ा, हाँ तो ओहुल रिमोन ओहुल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले भी खाली पड़ा था, कोई ओहरी वगैरह कुछ कंसेप्ट नहीं था, फर्टिलाइजेशन के बाद भी क्या था, खाली था। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया सर, अगर ओहुल से सीड बनती है, अगर ओहुल से सीड बनती है तो सीड फर्टिलाइजेशन से पहले भी ओहुल से सीड बनते तो क्या है, तो इसका मतलब इसके पास तो ओहरी तो है नहीं, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन हो या ना हो, है ना, ओहुल तो क्या रहेगा, खुला ही रहेगा, नॉट एनक्लोज, एनक्लोज तो नहीं होगा, इसका मतलब सीड कभी फ्रूट के अंदर नहीं रहने वाली, क्योंकि फ्रूट बनने नहीं वाला क्योंकि ओहरी है ही नहीं, तो सीड क्या रहेगी, सीड नेकेड रहेगी, खुली रहेगी, है ना, एक्सपोज रहेगी। तो सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड बाय कवर्ड, मतलब उसके ऊपर कुछ कवरिंग रहता है क्या, नहीं रहता है, इसलिए जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड,
कौन सा होता है, सीड, जिनकी सीड क्या रहती है, नेकेड रहती है, हम इस तरीके से बोल सकते हैं। पहले बताए समझ नहीं आया वाई सीड नेकेड रहती है, ऐसे रट्टा मारने से काम नहीं होता है, पता होना चाहिए क्यों नेकेड रहती है। बंदे के पास ओहरी है ही नहीं, तो ओहरी नहीं तो कहां से बनेगा, ओहरी नहीं तो ऊपर से फ्रूट थोड़ी बनने वाला है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रूट, है ना। तो सीड क्या रहेगी, खाली रहेगी। ये कितने को समझा बताओ यार, एक बार रिप्लाई करो, देखना चाहता हूँ। हाउ गेटिंग दिस पॉइंट, 16 में से एक कोई समझा, अच्छा समझ में आया, बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। मेरे ने तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिया है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, बताता हूँ। ये देखिए ये जिम्नोस्पर्म का ओहूल है, ये रहा ओहूल ऑफ द जिम्नोस्पर्म। तो पता है आपको अंदर की तरफ मेगास्पोरोसाइट रहता है, ये म्यूसेलस खाना रहता है, माइक्रोफाइल जहां से है ना पोलन ग्रेन अंदर एंट्री करता है, इंटूगमेटिक कवर है ऊपर का। लेकिन जरा देखिए एंजियोस्पर्म के पास क्या है, ये एंजियोस्पर्म है क्या है, ये रहा ओहूल, ये अंदर का ओहूल है। अच्छा ओहूल के ऊपर कवरिंग है किसकी, देयर इज अ कवरिंग ऑफ व्हाट, देयर इज अ कवरिंग ऑफ ओहरी वॉल, और वी कैन से ओहरी, ओहरी है ओहूल के ऊपर क्या ओहरी है, ऐसा बोल सकते हैं। सो सी द जिम्नोस्पर्म कंपैरिजन एंजियोस्पर्म ओहूल एंड एंजियोस्पर्मिक ओहूल, जिम्नोस्पर्म का ओहूल और एंजियोस्पर्म का ओहूल का अगर कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या हो सकता है, क्लियरली पता चलता है सर इन दोनों में डिफरेंस है। तो चीज वही है, यहाँ पे फिर से रिपीट कर आइए, यहाँ पे दोहराइए, ठीक है, ओके प्लीज रिपीट जस्ट वंस। क्या हो गया, आसान था क्या, रिपीट करना है, रिपीट तो सिंपल चीज है, क्या सिंपल चीज है, जिम्नोस्पर्म के अंदर ओहूल के ऊपर देयर इज नो ओहरी वॉल, उसके ऊपर कुछ ओहरी वॉल रहती नहीं है जिम्नोस्पर्म के अंदर। तो ओहरी वॉल अगर नहीं रहेगी तो, और मैंने क्या बोला ओहरी वॉल नहीं है तो ओहूल क्या रहेगा, ओहूल खुला ही रहेगा, और खुला हो कि क्या होता है उसका बेचारे का फर्टिलाइजेशन होता है, जब खुला रहता है तभी उसका क्या होता है, उसका फर्टिलाइजेशन होता है। अगर खुले नहीं हो उसका फर्टिलाइजेशन होगा, और हमने बोला ओहूल से क्या बनती है, सीड बनती है, ओहूल से क्या बनती है, सीड। बंदे के पास ओहरी तो है नहीं, ओहरी नहीं मतलब ये ऊपर वाला पार्ट तो उसके पास है नहीं, कुछ है नहीं उसके बाजू में, तो सीड उसकी खुली रहेगी, खुला रहेगा तो क्या होगा, सीड क्या बन जाएगी, नेकड़ बन जाएगी। इसलिए हमने क्या बोला इन टर्म्स ऑफ जिम्नोस्पर्म सीड क्या बनती है, नेकड़ बनती है। अब इसमें समझाने वाली बात क्या, पता नहीं, समझा, ठीक है ध्यान दिया करो। चलिए सो अब जरा देखिए जिम्नोस्पर्म मतलब क्या है, एक छोटा सा छोटा मीडियम साइज का भी एक प्लांट हो सकता है, मीडियम साइज का भी उसके अंदर, और एक बड़ा से बड़ा प्लांट हो सकता है, ठीक है, बड़ा से बड़ा मीडियम साइज ट्री हो सकता है, टॉल ट्री हो सकता है। जिम्नोस्पर्म में सबसे बड़ा ट्री देखो ये था, ये आप में से भली बात ही बहुत सारे लोग जानते होंगे, हमने देखा भी है, दैट इज व्हाट यूर जाइंट सिक्वा, जाइंट का मतलब बड़ा रेड वुड है ना, सो रेड वुड बोलते हैं आप, ये ऐसे ट्री आपने देखे होंगे यूएसए के जंगलों में, जैसे मतलब वहाँ वहाँ उस एरिया में टेम्परेट रीजन में बहुत मिलता है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है टेम्परेट रीजन में। तो सिक्वाई ट्री, ये सिक्वाई ट्री वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज के अंदर आता है, वन ऑफ द, और वह गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड इसी के नाम पे, ठीक है, बहुत बड़ी ट्री रहती है। तो पूछते हैं सिक्वाई ट्री किसके अंदर आता है, तो आता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, याद रखो बहुत काम पीछे से याद रखो, पूछते हैं जाइंट रेडवुड, इसका जाइंट रेडवुड बोलते हैं, किसके अंदर आता है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म तो पता होना चाहिए, जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है। अच्छा चलो ठीक है, द रूट आर जनरली कैसे रहते सर, टैप रूट। अब ये टैप रूट क्या है सर, देखो दो प्रकार के रूट रहते हैं। अब अगर ग्रास को आपने कभी देखा होगा, मान लीजिए आप खेल रहे हो बचपन में और आप ग्रासेस के साथ खेल रहे हो, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जब ग्रासेस के साथ खेलते हैं उसको उखाड़ने के बाद उसके रूट कुछ ऐसे निकलते हैं, ऐसे ऐसे कुछ निकलते हैं। अगर आपने किसी एक ऐसे प्लांट को, कुछ कुछ प्लांट को आपने खींचा होगा, ऐसे कुछ डायकॉट प्लांट रहते खासकर, तो ऐसे जिनके लीप ऐसे है, जिनके लीप ऐसे हैं, ध्यान दीजिए इन ग्रास को खींचने पर ऐसा लगता है, लेकिन जिनके लीप ऐसे है ना डायकॉट रेटिकुलेट वेनेशन है, तो उनके अंदर आपने रूट कुछ इस प्रकार से देखे होंगे, देखा है ये कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है, ग्रास को खींचने का रूट ऐसा मिलता है, कैसा, राइजॉइड टाइप, राइजॉइड मतलब ऐसा, ये फाइबरस रूट मिलता है, इसको बोलते हैं फाइबरस रूट, ये फाइबरस रूट मिलता है, रिसु किस्मत ऐसा ऐसा मिलता है, इसको बोलते हैं टैप रूट। कितने लोगों ने देखा यार, देखा, अरे ऑलमोस्ट सबने देखा, जिन्होंने नहीं देखा मैं क्या कर सकता हूँ
अभी देख लो, थेरोटिकली पढ़ लो, अभी प्रैक्टिकल नहीं किया तो क्या करेंगे, इसलिए कभी खेलना भी चाहिए, अच्छा रहता है। ओके चलो ठीक है। सो तो दे हैव जनरली व्हाट, टैप रूट, उनके पास कहते हैं टैप रूट रहते हैं, ठीक है, मान लिया सर उसके पास टैप रूट रहते हैं। रूट्स इन सम जनरा हैव द फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। अब जरा देखिए, टैप रूट तो रहते हैं लेकिन एक फंगस है, आपने सुना होगा ये माइकोराइजा, पाइनस के साथ दिख रही है, पाइनस दिख रहा है आपको, ये पाइनस का ट्री है, ये पाइनस है, इसके तो कुछ फंगस दिख रही है, माइकोराइजा दिख रही है, बहुत काम की चीज है ये रहती है, ये एसोसिएशन है, ये उनको काफी हेल्प करता है, कुछ कुछ न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है। यहाँ पे देखो, अब देखो ये फंगस यहाँ पे ग्रो कर रही है, काफी चीज इंपॉर्टेंट चीज, ये माइकोराइजल शॉर्ट फूड देख सकते हैं, ठीक है, ये पाइनस के अंदर में तैयार रखना, ठीक है। चलिए अब जरा दूसरी चीज याद रखना, बट कुछ कुछ जो ये पाइनस के अंदर क्या मिलता है, टैप रूट मिलती है, रूट्स आर जनरली व्हाट, टैप रूट जनरली ऐसे रहते हैं, एग्जांपल क्या, पाइनस, उनके अंदर माइक्रोराइजा मिलता है। बट जो साइकस है, साइकस मतलब देखो ऐसे देखते हैं, ये वाले साइकस के अंदर, ये देख के भी नहीं देख के बोल रहे, तो उनके जो रूट है याद रखना, उनके जो रूट है, उनके रूट कैसे रहते हैं, कोरोलाइड रूट रहते हैं, कैसे रहते हैं, कोरोलाइड रूट मतलब कैसे रहते सर, दिखाओ थोड़ा, बताओ सर, जरा एक मिनट रुकना, दिखाता हूँ, जस्ट मिनट, आई विल शो द कोरोलाइड रूट, एक मिनट रुकना सर, क्या आपको दिखाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पे नहीं रहेगा आपसे, बड़ा जी सा दिखता है, ठीक है, एक मिनट रुकना, देखो भाई बंधु लोग, ये आपके कोरोलाइड रूट देख रहे हैं, यहाँ पे जो दिखाया है ये आपका कोरोलाइड रूट है, ये वाला चीज याद रखना, ये कुछ चीजें मतलब देख के समझ नहीं रहती है, ये कोरोलाइड रूट का स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है कुछ, ठीक है। ये खासकर कहाँ मिलते हैं आपके, साइकस के अंदर, पाइनस के अंदर मत बोलना, ये मिलते हैं आपको साइकस के अंदर, ठीक है, तो ये कोरोलाइड रूट मिलते, ठीक है, चलो ठीक है मान लिया। तो ये स्मॉल स्पेशलाइज रूट रहते हैं, उसको कोरोलाइट बोलते हैं, एसोसिएटेड विथ व्हाट, नाइट्रोजन फिक्सेटिंग साइनोबैक्टीरिया। अब ये क्या रहता है दिखाता, जरा ध्यान देना, तो यहाँ आपको कुछ दिख रहा होगा, तो यहाँ पे कुछ कुछ, ये तो रूट तो दिखा है यहाँ पे ठीक से, लेकिन यहाँ कुछ कुछ गाठियां दिख रही है ना, इसके अंदर क्या रहता है, नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया रहता है। अब गाठियां मतलब इसके अंदर एसोसिएट करते हैं, नोडल तो नहीं रहते, लेकिन ये जो रूट है, रूट के अंदर, अब ये रूट है मान लीजिए, जस्ट मान लो फिलहाल के लिए मान लीजिए, इस रूट के अंदर कुछ बैक्टीरिया दिखते हैं, इसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, दे आर ग्रीन इन कलर, याद रखना इधर साइनोबैक्टीरिया, समझाता हूं मैं क्या है एग्जैक्टली, तो यहां मिलते हैं आपको साइनोबैक्टीरिया, मिलते हैं यहां, मिलते हैं साइनोबैक्टीरिया। अब इन साइनोबैक्टीरिया का काम क्या है, देखिए जनरली आपको पता होगा जो नाइट्रोजन है, हमने पढ़ा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, नाइट्रोजन एटमोस्फेयर में रहता है, तो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट नहीं ले पाते, उनके पास एबिलिटी नहीं है, प्लांट CO2 को ले सकते हैं अंदर, क्योंकि CO2 को लेने के लिए अंदर एंजाइम है, रुबिस्को नाम का एंजाइम है, रुबिस्को नाम का, CO2 को अंदर लेने के लिए, CO2 को अंदर लेने के लिए रुबिस्को नाम का एंजाइम है, लेकिन N2 को फिक्स करने के लिए नाइट्रोजनस एंजाइम लगता है, नाइट्रोजनस एंजाइम प्लांट के पास नहीं, CO2 आ गया अंदर ऐसा नहीं रहता है, CO2 जब स्टोमेटा से अंदर एंट्री करता है, एंट्री करने का उसको पकड़ने के लिए एंजाइम लगता है, तो देयर इज अ रुबिस्को एंजाइम इज देयर प्लांट के ऊपर, नाइट्रोजनस एंजाइम उनके पास नहीं है, तो कहां रहता है नाइट्रोजन एंजाइम, दैट नाइट्रोजनस एंजाइम इज प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, तो तब जाके क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया क्या कर पाते, नाइट्रोजन को फिक्स कर पाते, कहां करते, ये रूट के पास फिक्स करते, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रूट के पास पकड़ लेते हैं, और पकड़ के
उसको NH थ्री के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और NH3 से NH4 बनता है और फिर वो ऊपर की तरफ प्लांट हो जाता है. समझना है. दिस वाज द फेनोमेना वन शुड नो एंड दैट डन बाय हु? दैट डन बाय द आवर डियर मोस्ट साइनोबैक्टीरिया. तो नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया. तो चीज प्रिंसिपल याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. मोस्ट ऑफ टाइम पीपल गेट कंफ्यूज, सर CO2 ले सकता है स्टोमेटा से, N2 क्यों? अरे CO2 लेने के लिए रुबिस्को रहता है. दैट रुबिस्को इज वेरी इंपॉर्टेंट. विद द हेल्प ऑफ दैट रुबिस्को दे कैन फिक्स द CO2. But they are not able to fix the N2. N2 को fix करने के लिए कौन चाहिए? Nitrogenase enzyme. किसके पास रहता है? Cyanobacteria के पास. With the help of they can fix nitrogen. That's all. इतना याद रखो. यहाँ root भी दिखा है. यहाँ पे इसके coralloid root रहता है. But यहाँ पे ऐसे आप समझ सकते हो. Okay? चलिए आगे चलते हैं करके हम discussion करते हैं one by one. तो यहाँ पे कुछ कुछ मतलब चीजें बताइए थोड़ा सा. ये आपको ध्यान देना पड़ेगा. देखिए क्या दिया है. Stems are unbranched in cycles or branched. तो साइकल्स के अंदर क्या रहते हैं? स्टेम अनब्रांच रहते हैं. साइकल्स के अंदर इतना ब्रांचिंग नहीं मिलता है. There is no that much उतना थोड़ा बहुत ऐसा मिलेगा, थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा ज्यादा उसका ब्रांचिंग नहीं होता है. बस इतना ही मिलेगा, ऐसे मिलता है. उनके अंदर बहुत ब्रांचिंग क्या रहता है? कम रहता है साइकल्स. लेकिन किसी किसी के अंदर ब्रांच मिलते हैं. किसके अंदर ब्रांच मिलते हैं? पाइनस. तो पाइनस के अंदर देखो कैसा ब्रांचिंग मिल रहा है. देखो कितना ब्रांचिंग है. टू मच ब्रांचिंग. इनके अंदर बहुत ब्रांचिंग मिला है. पाइनस के अंदर ब्रांचिंग करते हैं. ये चीज याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी कहने का मतलब, आप अगर साइकल्स का चीज देखो, साइकल्स के रूट कैसे दिखते हैं? इट लुक लाइक दिस. इसको कोरोलाइड रूट बोलते हैं. टैप रूट सिस्टम कुछ ऐसा मिलता है. यहाँ ब्रांचिंग नहीं रहता उतना. देयर इज नो ब्रांचिंग. लेकिन हमारा पाइनस के अंदर क्या मिलेगा? ऐसा कुछ इस प्रकार से क्या मिलेगा? ब्रांचिंग मिलेगा. लॉट ऑफ ब्रांचिंग इन टर्म्स ऑफ पाइनस. और साथ साथ में सिड्रस. ये देखो सिड्रस है. अभी इसके अंदर तो ब्रांचिंग होगा ही होगा. ये हमारे नॉर्मल प्लांट की तरह दिखे. इनके अंदर ब्रांचिंग मिलता है यहाँ पे. पाइनस वगैरह के अंदर पता होना चाहिए. ठीक है. लीव्स आर सिंपल और कंपाउंड. लीव सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं. दे आर वेल अडॉप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड व्हाट वी कैन से विंड. अब इसका मतलब क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जिम्नोस्पर्म्स ने क्या किया? जिम्नोस्पर्म ने अपने अंदर बदलाव करके क्या किया? टेम्परेचर समझना है. टेम्परेचर और विंड को, विंड से बचाने के लिए उन्होंने खुद के अंदर क्या किया? बदलाव किया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. उनका एक स्पेशल काइंड ऑफ अडॉप्टेशन है जिम्नोस्पर्म का. याद रखिए जिम्नोस्पर्म जनरली कहाँ आते? पहाड़ों के ऊपर आते. कम सा तो पहाड़ है, तो वहां पानी की बहुत कमी रहती है क्योंकि पहाड़ों पे पानी नहीं रहता. आपको लग रहा होगा ये पानी इधर से बह के नीचे चला था. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? खुद के अंदर क्या क्या मतलब चेंजेस किए? इवन विंड, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर हवा बहुत ज्यादा होती है. तो हवा की वजह से क्या होता है? वाटर अंदर से ऑपरेशन हो जाता है. लॉट ऑफ वाटर विल गो फ्रॉम दैट. यहाँ से वाटर चला जा सकता है. इसलिए उन्होंने क्या किया? लीव्स को कुछ क्या किया? लीव्स के अंदर बदलाव किया. तो इनके लीव्स सिंपल भी हो सकते हैं, नहीं तो क्या हो सकते हैं? कंपाउंड हो सकते हैं. सर ये सिंपल और कंपाउंड का फर्क समझाओ सर, क्या रहता है? तो बेटा सिंपल है. सिंपल मतलब क्या बोल सकते हैं? ये रहा सिंपल लीव्स. देखिए ये इसको बोलते हैं सिंपल लीव्स. कंपाउंड का मतलब क्या? देखो इस प्रकार से बोल सकते हैं. कैसे? इसको बोलते हैं कंपाउंड. ये देखो ये पूरा एक ही लीफ है. दिस इज वन लीफ ओनली. लेकिन एक के अंदर क्या मिलते हैं? बहुत सारे लीफलेट. एक लीफलेट, दूसरा लीफलेट, तीसरा लीफलेट, चौथा लीफलेट, पांचवा लीफलेट, है ना. ये छोटे छोटे लीफलेट से ये एंटायर वन लीफ है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे लीफ है. इसको कंपाउंड बोल सकते हैं. ठीक है, मैं समझाता हूँ एग्जैक्टली क्या रहता है. फिलहाल के लिए जरा ध्यान दो. सो ये सिंगल रहा, सिंगल सिंगल ऐसा मिल रहा है. एक इधर मिल रहा है, एक इधर मिल रहा है. This is called as सिंपल. कंपाउंड मतलब बहुत सारे लीफ एक साथ में कंपाउंड. ठीक है, ये चीज हम बोल सकते. ओके चलो ठीक है. फिलहाल के लिए समझो, मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगी ये चीज. देखिए साइकस के अंदर लीव्स कैसे हैं? पिनेट लीव्स है. पिनेट कैसे बोल रहे हैं? साइकस पिनेट लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू इयर्स. पिनेट लीव मतलब देखो इसको बोलते हैं पिनेट मतलब ऐसा. ये दिख रहा है. These leaves are called as pinnate. ये cycles के लिए, जैसे नारियल के लीव रहते हैं ना वैसे. ये leaves जो उनके कैसे pinnate leaves. और आप देखते हो ये plant के leaves जल्दी गिरते नहीं है. बहुत बहुत लंबे समय तक रहते हैं. They persist for long time. बहुत लंबे समय तक रहते हैं. आप इनसे बहुत सारे लोगों ने देखा होगा. ये persist for what? Few years. कुछ लंबे समय तक क्या रहते हो? रहते हैं इन टर्म्स ऑफ इनके अंदर. ठीक है, ये pinnate leaves इनको मिलते हैं. These are called as a pinnate leaves. ठीक है.
आप देखिए पाइनस के लीव जो रहते हैं, खासकर इनको कोनीफर के नाम से भी जानते हो उसको, कोनीफर इसके अंदर पाइनस आता है, सेड्रस आता है, उनके लीव्स नीडल लाइक रहते हैं। नीडल लाइक मतलब दिख रहे थे, नीडल की तरह दिख रहे हैं, नीडल लाइक लीव्स। तो देयर लीव्स आर लाइक व्हाट, नीडल लाइक, ऐसे नीडल की तरह दिखते हैं, पॉइंटेड लीव्स दिखते हैं, दे हैव द पॉइंटेड लीव्स, यहां पे देख सकते हो, दे हैव द व्हाट, पॉइंटेड लीव्स। ये किसके अंदर मिलता है आपको, पाइनस। अब थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, देख के उसको समझना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन, बट हमें पता होना चाहिए। सो नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, दे हैव द थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा, ऑल्सो हेल्प इन व्हाट, रिड्यूस वाटर लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है जरा ध्यान दो, काफी बढ़िया प्रिंसिपल बताया जा रहा है। क्या प्रिंसिपल बताया जा रहा है कि देखिए, मैंने अभी बोला ये कहाँ मिलते, ये मिलते तो मिलते पहाड़ों के ऊपर मिलते मोस्ट ऑफ टाइम, ये पहाड़ का जो स्लोप रहता है उसके ऊपर मिलते हैं, जिम्नोसम मोस्ट ऑफ टाइम वहां मिलते हैं, प्लेन सर्फेस से मिलते नहीं, ऐसा नहीं वहां पर मिलते हैं। बट देखिए इनका खासियत क्या है, इनका खासियत क्या मिल रहा है, अब ये नीडल की तरफ पॉइंटेड लीव्स क्यों है, इतने छोटे लीव्स क्या है, अब मुझे बताओ जितना बड़ा लीव्स, ये सिंपल प्रिंसिपल है, कोई भी समझ सकता है, बच्चा बच्चा समझ सकता है, जितना बड़ा लीव उतना उसके ऊपर क्या करेगा, सनलाइट गिरेगा, उतनी उसके ऊपर सनलाइट गिरेगी। अब जितनी उसके ऊपर सनलाइट गिरेगी, मोर द सनलाइट फॉल ऑन द लीव, वाटर लॉस कम होगा ज्यादा होगा, मुझे बताइए, सरफेस एरिया बड़ा है ना, सनलाइट गिरेगी तो वाटर लॉस ज्यादा होगा कम होगा, सिंपल प्रिंसिपल है, हर कोई बता सकता है, ज्यादा होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, नेचर का कमाल देखिए, सुनिए मेरी बात, कितना अजूबा है, अजूबा इन द सेंस हाउ दे अडॉप्टेड, इसको अडॉप्टेशन बोलते हैं, उन्होंने अडॉप्टेशन क्या कर लिया, बोले देखो हमारे पास पहले से पानी की कमी है, हम आज तो पहाड़े के ऊपर आते हैं, वो पहाड़ों के ऊपर आते हैं और ऊपर से अगर ऐसा हमारे लिए बड़े बड़े रहेंगे तो हमारा वाटर लॉस तो बहुत ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई दे मेक द वेरी पॉइंटेड लीव, एकदम ऐसा पॉइंटेड लीव बना दी, वाटर लॉस होगा ही नहीं, बहुत कम होगा, ये पहला चीज हो गया, ठीक है, सरफेस एरिया कम कर दिया, ऊपर थिक क्यूटिकल लगाया। अब क्यूटिकल मतलब क्या है बताए, अपार्ट फ्रॉम द लीफ, लीफ के ऊपर और एक ऐसा लेयर रहता है स्मॉल, अब ये तो येलो कलर है दिख नहीं रहा, उसके ऊपर एक लेयरिंग रहता है, अभी दिखता नहीं मतलब मैं आपको शायद दिखाऊंगा कभी, आपने देखा होगा अगर वो ठीक से अगर सेल वाले किसी ने पढ़ा होगा, तो देखो ऊपर का लीफ का अपर कवरिंग है मान लीजिए, तो उसके ऊपर ऐसा एक हल्का सा लेयर मिलता है क्यूटिकल का। ये क्यूटिकल क्या है, क्यूटिकल इज सुबेरिन लेयर रहता है, सुबेरिन से रहता है, सुबेरिन इज लाइक सुबेरिन एक वैक्स की तरह रहता है। तो इसमें से क्या होता है, इसमें से नीचे से वाटर तो ऊपर आना चाहता है, ये वांट टू क्लियर, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, तो डायरेक्ट कैसे बाहर निकलेंगे, या तो क्यूटिकल है तो इससे भी वाटर लॉस नहीं होता है। देखिए ये हो गया, इवन उनके स्टोमेटा कह रहे थे संकन रहते हैं, सिकुड़े हुए रहते हैं स्टोमेटा, संकन सिकुड़े हुए, तो स्टोमेटा संकन रहेंगे तो क्या होगा, वाटर लॉस कम होगा, स्टोमेटा ये ऐसा नहीं रहता, स्टोमेटा का संकन स्टोमेटा रहता है, वाटर लॉस कम होता है इससे, ये चीज है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, ये इस तरीके से क्या बोल सकते हैं, अडैप्टेशन बोल सकते हैं। ओके, तो थोड़ा इसको थोड़ा अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या डिवाइड कर सकते हैं, मेरा ध्यान दो एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल साइकस और पाइनस में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखो, आप डिफरेंस क्रिएट करो खुद से, ध्यान दो, ज्यादा ध्यान दो। पहले हम पाइनस के बारे में क्या क्या पहले पढ़ लेते हैं, व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ पाइनस, वन बाय वन एक करके पढ़ लेते हैं खाली पाइनस के बारे में, और आप भी इसको डिफरेंस लिख के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है साइकस और पाइनस के बारे में, इसलिए। ओके, लेट्स गो अहेड वन सेकंड, ठीक है, अब सिर्फ पहले पाइनस के बारे में पढ़ते हैं। पाइनस, पाइनस के अंदर क्या मिलता है, इसके अंदर देखिए जनरली सबके अंदर टैप रूट मिलते हैं, लेकिन पाइनस के अंदर क्या मिलता है, माइकोराइजा मिलता है, चलो ठीक है, दे हैव द माइकोराइजा, फंगल एसोसिएशन है, पाइनस के अंदर माइकोराइजा, ठीक है चला। दूसरा चीज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं पाइनस के अंदर, पाइनस की जो स्टेम रहती है, सॉरी ओहो ये मैंने गलत बोल दिया, शायद ये रूट का बोल दिया, यहाँ पे स्टेम का नहीं कहा, ऐसे बोला ऐसे कैसे हो सकता है, ये लेट मी क्लियर, जरा ध्यान दो, ये था ना, ये थोड़ा ये गड़बड़ हो गया हमारा, ये मेरा मिस्टेक हो गया वीडियो में बताने के चक्कर में। ओके, स्टेम के बारे में, रूट के बारे में बोलते हैं आपको, पाइनस की जो स्टेम रहती है, स्टेम क्या रहती है, सॉरी साइकस की स्टेम रहती है, पहले पाइनस की पढ़ते हैं, पाइनस की स्टेम क्या रहती है, ब्रांच रहती है, तो इसके स्टेम देखो, ये ब्रांच यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ देखिए ये आपका पाइनस, तो इसको ब्रांचिंग दिख रहा है, यहाँ ब्रांचिंग है, यहाँ ब्रांचिंग है, यहाँ ब्रांचिंग है, सब जगह पे क्या दिख रहा है आपको, ब्रांचिंग ही ब्रांचिंग दिख रहा है, तो स्टेम इज व्हाट ब्रांच, देखो यहाँ देखो, देखो ब्रांचेस देखो, लॉट ऑफ ब्रांचेस। ओके, ये होगा पाइनस के बारे में, ठीक है, पाइनस के, ओके चलो ठीक है, कहाँ पे, हाँ पाइनस के लीफ क्या रहते हैं, नीडल लाइक रहते हैं, तो पाइनस के लीफ क्या दिख रहा है आपको, नीडल लाइक दिख रहे हैं, पॉइंटेड दिख रहे हैं। ओके, तो एक बार फिर से रिकलेक्ट करते हैं, सारे के सारे नीडल लाइक रहते हैं और क्या करते हैं, संकन स्टोमेटा और थिक क्यूटिकल रहता है, किसके रहता है, पाइनस का थिक क्यूटिकल रहता है और संकन स्टोमेटा रहता है, ये हम जानते हैं, ठीक है, चलिए
जरा देखिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान दो मैं पूछने वाला इससे रिपीट कर रहा हूँ। इफ यू थिंक अबाउट व्हाट पाइनस, पाइनस के टैप रूट दोनों के अंदर कंपलसरी है, टैप रूट दोनों के अंदर है, ये पहले क्लियर करो। ठीक है, रूट, उनके रूट एक फंगस के साथ रहते, फंगस का नाम क्या, माइकोराइजा फंगस। ठीक है, उसके बाद पाइनस कैसे रहते, दे आर ब्रांच में, स्टेम को ब्रांचिंग रहता है, देखो पाइनस को बहुत ब्रांचिंग दिख रहा है, आप ऐसा डिविजन कर सकते हो। दूसरा चीज, उनके अगर पाइनस के अगर हमने क्या देखे, लीफ देखे, राइट, लीफ अगर देखे हमने तो क्या बोल सकते हैं, लीफ आर वॉट, देयर लीव्स आर वॉट, नीडल लाइक कैसे रहते हो, नीडल की तरह लीफ रहते हैं, और क्या रहता है वो, थिक क्यूटिकल रहता है, संगम स्टोमेटा रहता है, वाटर लॉस को रिड्यूस करता है, ये हो गया। अब आते किसकी तरफ, अब आते साइकस की तरफ। चलिए, साइकस, साइकस क्या रहते, साइकस के रूट के बारे में बताया, बस साइकस का रूट का याद रखना, कोरोलाइड रूट रहते, कोरोलाइड रूट कैसे दिखते मैंने बताया, हाउ दे लुक्स एंड देयर ब्रांच आल्सो, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, देयर ब्रांच, उनके रूट कोरोलाइड रहते हैं, दोनों का रूट ब्रांच है, ओके, दे आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। यहाँ पे कौन था इसके साथ, कौन था, माइकोराइजा था, ये माइकोराइजा था, यहाँ पे माइकोराइजा था, यहाँ पे एंटो फिक्सिंग बैक्टीरिया, किसके साथ, साइकस के साथ, ये आपका साइकस। ठीक है, दूसरा चीज, साइकस अन ब्रांच रहता है, देखिए मजे के बाद देखिए, नारियल की पेड़ के तरह, नारियल की पेड़ को कहाँ ब्रांचिंग देखते हैं, अभी दिख रहा है ब्रांचिंग ऐसा निकलता है, यहाँ पे यहाँ एक निकला, फिर उधर एक साइकस का ऐसा ऐसा मिलते हैं, ऐसा इज इट पॉसिबल, नहीं, तो ये इसके स्टेम क्या है, अनब्रांचल, ये हो गया दूसरा पॉइंट, ओके। तीसरा, एंड साइकस के लीफ के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ इसके लीफ कैसे है, इसके लीफ निडल लाइक है, और इसके पिनेट लीव्स एकदम पिनेट, मतलब इस प्रकार से, दिस इज कॉल्ड पिनेट लीव्स, अपोजिट एक दूसरे को है, पिनेटली कंपाउंड बोलते हैं इसको, ओके। परसिस्ट फॉर फ्यू इयर्स, कुछ सालों तक क्या रहते, जिंदा रहते, ये इन दोनों का क्या है, मैं थोड़ा प्यार से बता रहा हूँ और टाइम भी दे रहा हूँ, क्यों, मुझे, मैं जानता हूँ याद नहीं रहता, अब याद हो जाएगा ध्यान से, इमेजेस, इमेजिन, ये एक इमेज को याद रखो, इस इमेज को सब कुछ याद हो जाएगा, कैन इमेजिन, ये वाली इमेज, इसमें सब कुछ है, आपको ब्रांच मिलेगा, इसके लीफ भी नीडल लाइक मिलेगा, इस इमेज को देख के सब कुछ याद रख सकते हैं, इसके लीफ भी आपको नीडल लाइक मिलेगा, नीडल लाइक लीफ मिलेगा, ब्रांच स्टेम उसका ब्रांच मिलेगा, ब्रांच है ना, इसके साथ कौन रहता, तो साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजा, माइकोराइजा इसके साथ मिलते हैं, बस ऐसे याद रखो, याद हो जाएगा। चलिए, अब आता है रिप्रोडक्शन का बात, यहाँ थोड़ा बच्चों लोग, यहाँ बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, सिंगल मिस्टेक आपका पूरा का पूरा साइकिल गड़बड़ कर सकता है, ध्यान दो, मैं इसको एक बार फिर से बताने वाला, चिंता मत करना, लेकिन फिलहाल के लिए स्लाइड के थ्रू याद रखो, मैं अपने अंदाज से बताने वाला हूँ, जानता हूँ ये चैप्टर में बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, ध्यान देना, अब देखो ध्यान दो, हमने क्या बोला था, जिम्नोस्पर्म कैसे हेटरोस्पोरस है, दे आर हेटरोस्पोरस। अब हेटरोस्पोरस का मतलब क्या है बेटा, कि एक बड़ा स्पोर एक छोटा स्पोर, राइट, और हेटरोस्पोरस होना ये सीड हैबिटेट की तरफ लेके जाता है, याद है आपको, सीड हैबिटेट मतलब सीड इसके अंदर बनती है ना, ये कल्चर स्टेटमेंट याद आ रहा है, छोटा बड़ा और फ्यूजन होना, कितने लोग याद कर का स्टेटमेंट याद आ रहा है, इट काइंड ऑफ इट्स देखो एक चीज नहीं, मल्टीपल पैरामीटर्स है, मल्टीपल एक ही चीज मल्टीपल पैरामीटर्स है, मल्टीपल, ओके, इट्स गोइंग टुवर्ड्स द सीड हैबिटेट लेवल, ओके, तो हैप्लॉइड दोनों को दोनों है, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, फिलहाल के लिए माइक्रोस्पोर मतलब मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, मेगास्पोर क्या एक तरीके से मान लो यग है, पोलन ग्रेन मेल को कंसिडर कर रहे हैं, मेगास्पोर फीमेल को कंसिडर कर रहे हैं, देखिए अब ये साइकस के स्ट्रॉबुला है, स्ट्रॉबुला दिख रहा है आपको, जरा ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिए मेरी बात को, ध्यान दीजिए, ये साइकस के स्ट्रॉबुला है, तो आप यहाँ एक चीज क्लियरली देख सकते हो, ये आपका दिखा है, ये मेल स्ट्रॉबुला है, सॉरी ये नहीं है, देखो यहाँ पे दिया है, ये मेल स्ट्रॉबुला है, दिस वन आई थिंक, सॉरी ये वाला, ये मेल स्ट्रॉबुला है, सॉरी ये मेल स्ट्रॉबुला होगी, और ये फीमेल स्ट्रॉबुला है, ये फीमेल स्ट्रॉबुला है, दिस वाज द व्हाट, फीमेल स्ट्रॉबुला है, मेल स्ट्रॉबुला है, फीमेल स्ट्रॉबुला है, दो स्ट्रॉबुला दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो एकदम ऐसे सेंटर में आता है, ठीक है, कौन टाइप, ओके, यहाँ जरा देखिए, कल हम कुछ पढ़ रहे थे तो हमें पता चल रहा था ये बंदे टेरिडोफाइट है, इनके अंदर भी देखो, इनके अंदर भी कुछ कुछ लीव्स क्या क्रिएट कर रहे थे, स्पोरेंजिया उसके अंदर बन रहे थे, ऐसा कॉम्पैक्टली अरेंज हो रहे थे और क्या फॉर्म कर रहे थे, स्ट्रॉबुला और कौन बन रहा था,
इसका मतलब देखो हम रिलेशन लगा सकते इवोल्यूशन के हिसाब से रिलेशन अकॉर्डिंग टू द कॉम्बेल बायोलॉजी अकॉर्डिंग टू अपर एनसाइटी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं उसका रिलेशन लगा सकते क्या कि यार एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है जिम्नोस्पर्म की तरह उसके अंदर क्या दिख रहा है हैबिटेट दिख रहा है एक तरीके से मतलब एक लिंक बोल सकते हैं ब्रायोफाइट के बाद जिन हम टेरिडोफाइट को क्यों लग रहे हैं ये इनके अंदर कुछ फीचर्स है जिम्नोस्पर्म की तरह दिखते हैं सम फीचर्स जैसे ये देखो यहाँ पे एक हेटरोस्पोरस कंडीशन किसके अंदर मिलती है ये मिलते देखो सिलेजेनिला कौन के अंदर क्या मिलता हेटरोस्पोरस कंडीशन में देसी के अंदर मिलते इट्स अ काइंड ऑफ तो इसी तरीके से तो साइकस के अंदर क्या होता है या फिर आपके जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है इसमें से कुछ ल्यूज क्या होते हैं कॉम्पैक्ट हो जाते हैं ये पहले ल्यूज थे सम ल्यू बिकम व्हाट ऐसे ये होते हैं एंड एक एक ल्यू को हम जैसे यहां क्या बोल रहे थे भाई यहां पे देख लेते यार इसे मैं रिपीट करना चाहता हूं सो व्हाट यू कैन से सो सम स्पोरोफाइलस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर स्पोरोफाइलस मतलब क्या अरे वही चीज है स्पोरोफाइलस मतलब क्या बोल सकते हैं जरा ध्यान दो यार ये पत्ता जब क्या होता है एक पत्ते के ऊपर क्या होता है स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है स्पोरेंजिया का है ना एक सोराय का डेवलपमेंट होता है तो वो बंदा वो पत्ते को हम क्या बोलते हैं स्पोरोफाइलस बोलते हैं स्पोरोफाइलस उसी तरीके से यार ध्यान दो यहाँ पे उसी तरीके से अगर आप किसकी बात करोगे जिम्नोस्पर्म की बात करोगे तो उसके अंदर भी जो पत्ते हैं इसमें से जब ये आप देखो प्लांट डेवलप हो रहा है मतलब ऐसा एकदम ऐसा डेवलप हो रहा है ना शुरुआत में तो ऐसा होगा और देखेंगे धीरे धीरे से क्या होता है ऐसे पत्ते फॉर्म होते हैं और फिर यहाँ पे ऐसा उसको आया होगा है ना इस प्रकार से आए होंगे लीव्स वगैरह आए होंगे तो हर साल अब ये नीचे के ब्रांचेस तो गिरने वाले हैं ठीक है नीचे के ब्रांचेस तो हर साल गिरते हैं कुछ सालों के बाद गिरेंगे ये ब्रांच गिर गया ये ब्रांच गिर गया जरा ध्यान दीजिए मैं बता रहा हूँ तो नया जब यहाँ पे जब नया यहाँ पे क्या होता है नए पत्ते जब आते हैं तो उनमें से कुछ पत्ते जब आते रहते हैं तो उसके ऊपर के कुछ कुछ लीफ आई थिंक बहुत सारे लोग समझ गए होंगे ठीक है इनमें सर ये कलर मैच नहीं कर रहे हैं ओके इनमें से कुछ लीफ क्या होते हैं ऐसा ब्रांच बन जाएगा और उसके ऊपर क्या होगा स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है एंड नाउ दे फॉर्म व्हाट इस तरीके से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं दे फॉर्म द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर लीफ ही थे लेकिन लीफ के ऊपर क्या आ गया स्पोरेंजिया आ गया इसलिए इनका स्ट्रक्चर क्या बन गया ऐसा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन गया ऐसे डेवलपमेंट हो गया ओके अब देखो थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ता है बुद्धिमान लोगों का काम यहाँ पे ठीक है ध्यान दो कितना लोग सोचता है मैं जो बोल रहा हूँ कितना लोग सोच पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ मैंने लॉजिक भी दिया थोड़े से बुद्धिमान लोगों का काम है यहाँ पे ठीक है देखते कितने सोच पा रहे हैं एंड एक्सिस उसको बोलते हैं स्ट्रोबिलाय लैक्स नहीं तो क्या बोलते हैं उसको कौन बोलते हैं वही कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और स्पाइरली अरेंज होते हैं एक दूसरे के ऊपर हो गया काम खत्म इसलिए हम इसको स्पोरोफाइलस बोलते हैं फाइलस लीफ उसके ऊपर क्या है ऐसे कॉम्पैक्टली स्ट्रक्चर बन के आ गए अभी तो सबको समझ में आना चाहिए यार सोराय बाहर दिखते हैं ना नहीं सोराय अभी तक नहीं जाएंगे सोराय की तरफ सोराय नहीं रहते दिखा तो स्पोरेंजिया रहते हैं यहाँ पे दिखाएंगे आपको जरा ध्यान दो यहाँ पे ठीक है तो अब देखो स्पोरोफाइलस के ऊपर स्पोरेंजिया रहता है और उसके अंदर स्पोर का प्रोडक्शन होता है तो देखो ये एक एक्सिस के ऊपर क्या होगा एक एक्सिस है देखो ये एक्सिस ये है ना इसको फाड़ के देखेंगे ये देखो कट करके देखा इसको ऐसे ऊपर से कटिंग कर दिया कट दिस पोर्शन कट कर कट करने के बाद क्या होता है देखो ये कट करके ऐसे दिखता है ये पत्ते एक पत्ता देखो पत्ता एक एक पत्ता देखो ये वन वन लीफ समझ में आ रहा है आपको ये वन वन लीफ है एक लीफ है एक एक लीफ ऐसा कन्वर्ट हो गया ऐसे ये पूरा ऐसा गुंबज है लिपो का मतलब ऐसा एक क्या बोलते बुके बन गया बहुत सारे लिप एक साथ आ गए ऐसा दिखता है ओके आप क्लियर होगा कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है तो ये देखो ये साइकस का मेल कौन है तो ये देखो ये दिख रहा है मेल कौन है ये मेल ही कौन है ये मेल कौन है पक्का ये फीमेल कौन है ये दिख रहा है ये फीमेल कौन है ये ऐसे दिख रहा है धीरे धीरे ये फीमेल कौन है हो गया क्लियर हो गया ये साइकिल का फीमेल कौन है चलिए अभी देख लेते हैं तो यहाँ पे देखो जाहिर सी बात है तो बोला जा रहा है तो क्या रहता है सर इसके अंदर स्पोरोफाइलस बियर्स व्हाट स्पोरेंजिया और इनके अंदर क्या होता है स्पोर का प्रोडक्शन होता है दैट्स व्हाट हो गया काम खत्म हो गया
तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्पोरेंजिया, अब देखो यहाँ ये माइक्रोस्पोरोफाइलस, व्हाई इट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफाइलस, देखिए मेल कोन है, मेल कोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, एंड फीमेल कोन इज फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ यग, ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलन ग्रेन आर ऑलवेज स्मॉल, देखो मैंने बोला था ओगैमस टाइप, ओगैमस मतलब मेल गैमेट कभी भी स्मॉल रहता है और फीमेल गैमेट कभी भी लार्ज रहता है, किसके बाद मैंने बोला था, अच्छा ये बताया था नहीं बताया था मैंने, ये चीज कितने लोगों को याद है, तो ओगैमस टाइप एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में क्या मिलता है, ओगैमस टाइप ऑफ ओगैमस मिलता है, ओगैमस याद है, मेल गैमेट इज ऑलवेज स्मॉल एंड फीमेल गैमेट इज ऑलवेज लार्ज, याद है, हाँ वेरी नाइस थैंक यू, याद है, मैं फिर से एक बार बताने वाला हूँ, तो यार छोटा है तो माइक्रो, छोटा है तो क्या माइक्रो, अच्छा जिस पत्ते के ऊपर, जिस पत्ते के ऊपर स्पोरेंजिया फॉर्म होता है, तो उस पत्ते को मतलब स्पोरेंजिया फॉर्म होता है और उसके अंदर क्या बनता है, पोलन ग्रेन बनता है, क्या बनता है, पोलन ग्रेन, उस पत्ते को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफाइलस, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफाइलस, दैट्स ऑल, तो इसके अंदर क्या है सर, पोलन ग्रेन है, तो उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफाइल बोलेंगे, राइट, और जिसके अंदर अभी पोलन ग्रेन बनाने के लिए कोई ना कोई स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ होगा, हमने उधर देखा था स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ, तो देखो इधर क्या है, इधर माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते, पोलन ग्रेन बनते, तो सिंपल है, पत्ते को बोला माइक्रोस्पोरोफाइल, और माइक्रोस्पोरोफाइल के अंदर क्या है सर, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हो गया आपका स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसके अंदर मिल गया स्पोर, रिपीट करता वर्दी है, बहुत वर्दी है, ये कौन का स्ट्रक्चर, कोई ध्यान नहीं देता इसके ऊपर, बहुत फोकस करना पड़ता है, टाइम गया तो गया लेकिन क्लियर करो, ये जिम्नोसोम एंजियोस्पर्म बड़ा दिक्कत खाता है, लोगों को समझ में नहीं आता एक्जेक्टली क्या दिया कुछ दिया, अगर ध्यान दीजिए एक बार, रिपीट कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान दीजिए जो बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को समझ में आया होगा फिर भी रिपीट करना जरूरी है, पत्ते को बोला हमने, एक पत्ते को बोला माइक्रोस्पोरोफाइल बोला, अच्छा एक पत्ते के अंदर सर, हर एक पत्ते के अंदर क्या दिख रहा है, कुछ तो स्ट्रक्चर दिख रहा है, गोल गोल, हाँ दिख रहा है गोल गोल, तो ये जो पूरा का पूरा जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदर क्या, हर एक गोल गोल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे सर, पत्ते के अंदर दिख रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे, उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी सर माइक्रोस्पोरोफाइलस कंटेन माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, हाँ ये माइक्रोस्पोरोफाइलस है, स्पोरोफाइल है, इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है, अच्छा, और उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या पोलन ग्रेन है, हाँ इसके अंदर जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इसके अंदर है पोलन ग्रेन, ठीक है, दिस वाज द थिंग वन शुड नो, ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए बोल रहा है स्पोरोफाइल्स बियर द स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइल्स मतलब स्पोरोफाइल मतलब कौन, ये माइक्रोस्पोरोफाइल, स्पोरोफाइल मतलब खाली आधा बोल रहा है, तो स्पोरोफाइल के अंदर क्या रहता है, स्पोरेंजिया रहता है, तो स्पोरेंजिया है, तो स्पोरोफाइल दो प्रकार के रहते हैं, एक रहता है माइक्रोस्पोरोफाइल, दूसरा रहता है मेगास्पोरोफाइल, बताने की जरूरत नहीं है, मेगास्पोरोफाइल मतलब कहाँ होगा सर, इट इज पार्ट ऑफ व्हाट, फीमेल कोन, किसका पार्ट है, फीमेल कोन का पार्ट है, हम इजीली देख सकते हो, दैट्स ऑल, ये ओहुल का एलएस करके दिखाया गया है, ओहुल, इसके अंदर ओहुल रहता है, पोलन ग्रेन नहीं रहेगा ना, इसके अंदर ओहुल रहेगा, इसके अंदर ओहुल रहेगा, राइट, देखो यहाँ पे मेगास्पोरोफाइल दिख रहा है, ये मेगास्पोरोफाइल है, पत्ता ये पूरा का पूरा यहाँ पे दिखा है, इसको यार मेगास्पोरोफाइल दिख रहा है, ये दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है, इसको मेगास्पोरोफाइल बोल रहा है, देखो ये, और इसके अंदर देखो ये ओहुल दिख रहा है, दीज आर द ओहुल, नीचे की तरफ रहते हैं, मेगास्पोरोफाइल के ऊपर क्या मिलता है, ओहुल मिलता है, ओके दैट्स ऑल, और ओहुल के अंदर ये भी मिलता है, ओहुल के अंदर रहता है ये, ओके दिस आर द थिंग वन शुड नो, चलिए तो ये मैंने चीज एक एक करके बता दी, मैं अभी आपको पूछूंगा नहीं, अभी थोड़ा और आगे जाते थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ध्यान दो, ठीक है, अब फिर से आते हैं हम माइक्रोस्पोरोफाइल के ऊपर, ठीक है, माइक्रोस्पोरोफाइल दे अरेंज टू मेल स्ट्रोबुला, तो मेल स्ट्रोबुला के ऊपर ही रहते हैं, मेल कौन स्ट्रोबुला बोलते हैं, कौन बोलो स्ट्रोबुला बोलो एक ही है ना, कौन कोई स्ट्रोबुला बोलते क्या दिक्कत है, वो उसके ऊपर अरेंज करते, तो माइक्रोस्पोरोफाइल देखो ये माइक्रोस्पोरोफाइल क्या है, मेल स्ट्रोबुला के ऊपर दिख रहे बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफाइल, जितने चाहे उतना नहीं लो कोई दिक्कत नहीं, मेल स्ट्रोबुला है, उसी को हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, व्हाई इट इज सो मेनी स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट, सो मेनी स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई मेल कोन को कई बार प्यार से क्या बोलते हैं, प्यार से उसको माइक्रोस्पोरेंजिएट मतलब बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, दे बियर द माइक्रोस्पोरेंजिया, द माइक्रोस्पोरेंजिएट बियर द माइक्रोस्पोरेंजिया, बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया है इसलिए क्या बोलते हैं उसको माइक्रोस्पोरेंजिएट, जो पकड़ता है माइक्रोस्पोरेंजिएट,
इसलिए ध्यान रखना नेल स्टॉबुला मतलब इसी को नेल कोन को नेल स्टॉबुला मेल कोन एक ही यहाँ पे लिखता हूँ कंफ्यूज मत होना मेल कोन इसी को मेल कोन बोलते हैं तो ये मेल कोन के अंदर मेल कोन को क्या बोलते हैं हम एक बार माइक्रोस्पोरेंजियट बोलते हैं बिकॉज इट कंटेन्स सो मेनी माइक्रोस्पोरेंजियम एक दो तीन चार पांच छह सात इतने हैं दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजियट ये छोटे छोटे वर्ड्स है बच्चे लोग पागल होते हैं उनको समझ नहीं आता एग्जैक्टली चल क्या रहा है इसलिए बहुत प्यार समझा रहा जरा ध्यान दो ओके दे आर द माइक्रोस्पोरेन ठीक है द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोर कहां बनेगा मेल गैमेटोफाइट फिर माइक्रोस्पोर क्या है अरे बेटा पोल एंड ग्रेन को माइक्रोस्पोर पोल एंड ग्रेन को क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोर बोलते हैं ठीक है चलिए दैट इज माइक्रोस्पोर ठीक है हां इट इज हाईली रिड्यूस्ड एंड आल्सो कंफाउंड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल ओके लेकिन बहुत ही कम सेल बनाते द गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन उसको बोलते पोलन ग्रेन फन मेरा गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन वही माइक्रोस्पोर इज पोलन ग्रेन डोंट गेट कंफ्यूज ओके द पोलन ग्रेन इज डेवलप्ड विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया देखा हमने माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनता है पोलन ग्रेन बनता है देखा हमने कोई दिक्कत नहीं चाहिए ठीक है हो गया डोंट गेट कंफ्यूज माइक्रोस्पोर डेवलप होता है मेल गैमेटोफाइट मतलब माइक्रोस्पोर कौन है बेटा माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन है कंफ्यूज मत होना ठीक है And pollen grain are developed in the microsporangia. Microsporangia के अंदर pollen grain बनते हैं. ठीक है खत्म हो गया. चलिए. They are arranged to female. अभी देखो. Megasporangia. Mega मतलब बड़ा female होके. तो ये कहाँ रहते हैं? Female strobili. तो female strobili कौन सा तरीके देखो ये female strobili. ये रहा. ये आपका female strobili. Yellow सा pole ये है. Don't get confused. Female strobili. तो female strobili के अंदर क्या है? बहुत सारे क्या है? Microsporangia. So many microsporangia are present. Lot of microsporangia are present. That's why this is called as microsporangiate. इसको बोलते हैं microsporangiate. तो female strobili को या फिर female cone को हम क्या बोल सकते हैं microsporangiate बोल सकते हैं याद रखो ठीक है. They bear megasporangia. हाँ भाई इधर ये macro है don't get confused. मैं micro बोला होगा. Okay. देवियर मेगास्पोरेंजिया अब मेगास्पोरेंजिया मतलब बड़ा कौन रहता है ओहुल ये दिख रहा है ना ओहुल को ही हम क्या बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं ओहुल को बोलते हैं वहाँ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है मेगास्पोरेंजिया मेनली कंसिस्ट ऑफ बॉडी कॉल्ड एज न्यूसेलस आप जरा देखिए तो अब ये मेगास्पोरेंजियम को क्या करते हैं हमने ऐसा कट कर दिया एक गोले को उठाया एक गोले को उठा के कट कर दिया तो कट करने के बाद क्या मिलता है इसके अंदर मिलता है आपको न्यूसेलस ये देखो एरिया दिख रहा है कोई वाला ये वाला एरिया उसको न्यूसेलस बोलते हैं ये ओहुल को कट करके देख रहे ये रहा आपका न्यूसेलस इट इज प्रोटेक्टेड बाय एनुला और इस न्यूसेलस के ऊपर दिख रहा है आपको ये देखो ये आउटर लेयर है ना मिडल लेयर है ना कितने लेयर है इसके ऊपर लेयर दिख रहे अलग अलग लेयर दिख रहे देन मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ सेल ऑफ न्यूसेलस देखिए मेगास्पोर मदर सेल है ना इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द सेल ऑफ द न्यूसेलस तो ये जो न्यूसेलस है अंदर की तरफ पहले न्यूसेलस पूरा भरा हुआ रहता है ये न्यूसेलस पहले पूरा का पूरा क्या रहता है ऐसा भरा हुआ रहता है लेकिन उसी में से एक सेल डिफरेंशिएट होती है और क्या फॉर्म करती है मेगास्पोर फॉर्म करती है मेगास्पोर फॉर्म करती है मतलब क्या बोलते हैं उसको ओहुल बोलते हैं इट फॉर्म द ओहुल अंदर की तरफ क्या बनाती है एक ओहुल बनाती है उसी में से एक ओहुल बोल रहा हूँ यक बनाती सॉरी उसी में से एक सेल क्या बनाती है यक बनाती है इट फॉर्म द यक ओके चलिए ध्यान दीजिए तो देख सकते हैं यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म फोर मेगास्पोर आप देखिए फिर से बताता हूँ ध्यान दो यहाँ पे क्या बोल रहा है अंदर न्यूसेलस था दिस वाज़ द न्यूसेलस न्यूसेलस मतलब बहुत सारे सेल थे लॉट ऑफ सेल उसमें से एक सेल बन गई मेगास्पोर मदर सेल थोड़ा ध्यान देना पड़ता है आपको ठीक है मेगास्पोर मदर सेल ये एक सेल उसमें से एक सेल निकाला उसमें से एक सेल बन गई मेगास्पोर मदर सेल वन ऑफ द सेल बिकम द मेगास्पोर मदर सेल दिस सेल डू द मियोसिस बहुत सिंपल है मियोसिस कर दिया मियोसिस करने के बाद क्या हो गया चार मेगास्पोर बन गए ये क्या है सर इसको आपने मेगास्पोर मदर सेल बोला हाँ बोला क्यों बोला मेगास्पोर को मेगास्पोर को बनाने वाली मदर सेल इसलिए मेगास्पोर मदर सेल अच्छा तो मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड रहती है कहाँ डिप्लॉयड रहती है किससे बनती है मैंने बोला ये बनती न्यूसेलस से ये तो भाई मेगास्पोर मदर सेल है ये आपका न्यूसेलस है न्यूसेलस कहाँ रहता है तो अर्लियर न्यूसेलस यहाँ पे था ये पूरा एरिया न्यूसेलस का था अंदर की तरफ
और इसी न्यू सेल में से इसके अंदर बहुत सारे सेल थी। इन न्यू सेल्स को मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर में दिखाया, उसमें से एक सेल मेगास्पोर मदर सेल बनती है, वो मियोसिस करती है और चार क्या करती है, चार मेगास्पोर बनाती है, इट फॉर्म द फोर मेगास्पोर, वन मेगास्पोर एनक्लोज विद इन द मेगास्पोर एंजियम। इसका मतलब चार बन जाते हैं, चार में से तीन गायब हो जाएंगे, तीन डीजेनरेट होते हैं, बचता है कौन, एक, एक ही बचता है और एक ही क्या होता है, ये न्यू सेल्स के अंदर रह जाता है। तो बाकी के चार चले गए, हाँ बाकी के तीन चले गए, बचा कितना, एक, बाकी के तीन चले गए, तीन चले गए, तीनों को भगा दो, बचा एक, इसलिए वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज विद इन द व्हाट, किसके अंदर, एक एनक्लोज होता है किसके अंदर, मेगास्पोर एंजियम के अंदर, एक एनक्लोज होता है मेगास्पोर एंजियम के अंदर। सर ये मेगास्पोर एंजिया क्या है, तो मेगास्पोर एंजिया क्या है, रिपीट कर रहा हूं, ओहुल, एक एनक्लोज होता है मेगास्पोर एंजियम के अंदर, मतलब क्या, एक ही क्या रहता है, मेगास्पोर रहता है किसके अंदर, रहता है ओहुल के अंदर। ओहुल क्या है, देखो ये देखो, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही एक मेगास्पोर है, लेकिन वो इसके ऊपर किसका कवरिंग है, इट इज कवर्ड बाय होम, इट इज कवर्ड बाय द न्यू सेल्स, इसके ऊपर किसका कवरिंग है, तो न्यू सेल्स का कवरिंग है, इसके ऊपर न्यू सेल्स है, ठीक है। सो वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज विद इन द मेगास्पोर एंजियम, मेगास्पोर एंजियम मतलब यू कैन से ओवल आल्सो, ओवल मतलब पूरा का पूरा, इसके अंदर बोल सकते या फिर बोलो न्यू सेल्स, बोथ आर करेक्ट, इट इज कवर्ड इन द न्यू सेल्स। डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट एंड बियर टू आर मोर आर्चिगोनिया। तो ये जो आपका मेगास्पोर था, ये जो आपका मेगास्पोर था, इससे क्या होता, देखिए इसका डेवलपमेंट होता है, इट विल डेवलप, और डेवलप होने के बाद क्या होता है, इससे दो क्या बनते, दो आर्चिगोनियल, दो आर्चिगोनिया बनते, इससे क्या बनते, दो आर्चिगोनिया बनते। अब देखो यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिए, यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोल रहे, समझ में नहीं आता है, मेगास्पोर न्यू सेल्स डेवलपमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर्स टू और मोर आर्चिगोनिया, इसके अंदर दो या फिर आर्चिगोनिया होते हैं। अब थोड़ा सा इसका जर्नी देख लेते हैं, समझाता हूँ, जरा ध्यान दो, जर्नी क्या हो रही है, कहाँ से कहाँ जर्नी चल रही है। पहले क्या बोला सर, पहले बोला हमने न्यू सेल्स, न्यू सेल्स में से एक सेल मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल ने कहते हैं मियोसिस, चार चार मेगास्पोर बन गए, चार मेगास्पोर में से आपने बोला तीन चले गए, एक बच गया, अच्छा तीन चले गए एक बच गया, अभी क्या बोल रहे सर, तीन चले गए एक बच गया, तो एक मेगास्पोर क्या करता है, ध्यान दो, अंदर एक ही मेगास्पोर बच गया, दैट मेगास्पोर, दैट मेगास्पोर क्या होता है, डेवलप होता है, और डेवलप होके क्या करता है, वही डेवलपर होके क्या करता है, ये मल्टी सेलुलर, इसका डिवीजन होता है, और डिवीजन होके उससे मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट बनता है, इट फॉर्म द मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट। अच्छा, इस मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट के अंदर क्या रहता है, दो क्या रहते हैं, दो आर्चिगोनिया रहते हैं, दो आर्चिगोनिया रहते हैं, राइट। चलिए सो, तो इसको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ लाना पड़ेगा, इधर ध्यान दीजिए सब लोग, इधर सब लोग ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट करता हूँ, प्लीज फोकस कीजिएगा, कहाँ पे क्या हो रहा है थोड़ा सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेट्स गो वंस अगेन, फिर से हम इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखिए तो आपका ये पोलन कोन, ये पोलन कोन है, ठीक है, पोलन कोन मतलब क्या है, अच्छा इसके अंदर, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता बताया गया, बट नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया, एक एक करके बताता हूँ, सुनो मेरी बात को, फिर से बताता हूँ, ध्यान दीजिए। ये पोलन कोन दिया है, और ये सीड कोन, व्हाई इट इज कॉल्ड एज सीड कोन, सीड कोन मतलब मान लो, इसको मान लो फीमेल कोन, नहीं तो स्ट्रॉबिलाय। अब इसको सीड कोन क्यों बोला है, एक फीमेल कोन से क्या बनता है, सीड बनता है, मेल कोन से सीड नहीं बनता, इसलिए बोला, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया, ओवल दिया है, यहाँ ओवल दिखा है, ठीक है, ये आपका सीड कोन का स्केल है, स्केल मतलब पत्ता, पत्ता बोल सकते हैं, ओके, पत्ता, या फिर बोलो उसको मेगा स्पोरो, मेगा स्पोरो फाइल बोलो उसको, मेगा स्पोरो फाइल, ठीक है। चलिए अब देखिए ओहुल, ओहुल को हम बोल रहे हैं मेगा स्पोरेंजियम, राइट, इसको हम मेगा स्पोरेंजियम बोला हमने, ओहुल को मेगा स्पोरेंजिया बोलो, ठीक है, और उसी के अंदर क्या रहता है, न्यूसिलस रहता है, ठीक है। सो मेगा स्पोरेंजियम मेगा स्पोरो साइट इंटूगमेंट,
अच्छा एक एक करके स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे कहाँ कहाँ पे कौन कौन मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया, अगर आपको चीज समझ में नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, पहले ध्यान देना पड़ेगा। ये मेगास्पोरेंजियम है, तो मेगास्पोरेंजियम मतलब ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को मेगास्पोरेंजियम बोल रहा है, और इसके अंदर क्या दिया, मेगास्पोरोसाइट दिया, हियर इज अ मेगास्पोरोसाइट। ओके, मेगास्पोरोसाइट मतलब क्या है सर, ध्यान दीजिए, ये अंदर का पूरा क्या है सर, ये अंदर पूरा का पूरा क्या था, न्यू सेल्स था। जरा ध्यान दो मैं जो बोल रहा हूँ, ये आपका न्यू सेल्स था, न्यू सेल्स में से एक से जिसको हम मेगास्पोरेंजियोसाइट बोल रहे, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल, वही आपकी मेगास्पोर मदर सेल को यहाँ पे क्या नाम दिया है, मेगास्पोरोसाइट बोल रहा है। अच्छा अब समझ में आ गया, तो उसमें से एक सेल को हमने कंसिडर कर दिया, न्यू सेल्स अंदर की तरफ न्यू सेल्स रहता है, उसमें से एक सेल मेगास्पोरोसाइट में, तो बोलो मेगास्पोर मदर सेल बोलो, उस मेगास्पोर मदर सेल ने क्या कर दिया, मियोसिस कर दिया, कर दिया मियोसिस, देखिए मियोसिस कर दिया, और मियोसिस करने के बाद क्या हो गया, चार चीजें बन गई, देखो चार चीजें बन गई, बन गया फोर थिंग विल फॉर्म। ओके फोर क्या बन गया, मेगास्पोर बन गया, फोर मेगास्पोर बन गया, उसमें से तीन लोग चले जाते हैं, बचता है एक ही, ओनली वन, और एक बचने के बाद क्या होता है, देखिए एक बचने के बाद इसका डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट होकर क्या बनाता है, वन विल डेवलप, सो द मल्टीसेलुलर फिमेटोग्राफ, देखो क्या होता है, तो मेगास्पोर सॉरी कहाँ गया यार, सो इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल, देखिए द मेगास्पोरेंजियम न्यू सेल्स डेवलप इनटू द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट टू और मोर अर्चिगोनिया। ठीक है, तो जो मेगास्पोरेंजियम है इसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, इट विल गेट डेवलप, और डेवलपमेंट होकर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये मेगास्पोरेंजियम, ये पहले उतना शुरुआत में डेवलप नहीं रहता है, डेवलप होगा, और डेवलप होकर क्या होता है, इट फॉर्म द लिटिल बिट बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, और उसके अंदर क्या होता है, दो अर्चिगोनिया आते हैं, इट फॉर्म द टू अर्चिगोनिया, दो अर्चिगोनिया आते हैं, ये दो अर्चिगोनियम हो गए, और ये पूरा का पूरा क्या, मेगा गैमेटोफाइट, ये होगा मेगा गैमेटोफाइट। ओके, देन फाइनली पोलन ग्रेन विल कम, पोलन ग्रेन आएगा, और पोलन ग्रेन आके क्या करता है, एक सेल के साथ क्या करता है, दो आर्चियोगोनियम थे ना, दो आर्चियोगोनियम, उसमें से एक से एक के साथ क्या करता है, फ्यूजन करता है, दो से नहीं एक के साथ करता है, उससे क्या बनता है, जायगोट, एक का कुछ काम है, एंड देन अल्टीमेटली फॉर्म व्हाट, अल्टीमेटली क्या बनता है, उससे सीड बनता है, बन गई सीड। ओके, ये था जर्नी। मैं मानता हूं यहाँ सर बहुत जंबलिंग हो रहा है, कौन मेगास्पोर है, कौन माइक्रोस्पोर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको लिख के समझाता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए आप एटलीस्ट कुछ वर्ड तो कान पे डालो, कुछ वर्ड तो कान पे डालो, बाद में देखेंगे, ठीक है, पहले कुछ वर्ड तो आपके कान में जाना चाहिए, ठीक है, ये बोल लो उसके बाद ध्यान दो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सो वंस अगेन, तो यहाँ पे चलते, ठीक है, क्या आप कहाँ पे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं और आगे चलते हैं, आगे का जर्नी आसान है, सुनो बस यही थोड़ा जर्नी होता है, यहाँ ध्यान देना पड़ता है, रिप्रोडक्शन समझ में नहीं आता इसका, क्यों नहीं आता है, वर्ड रिपीट आते हैं, मैं एक बार सिस्टमेटिकली लिख के दूंगा तो समझ में आएगा। चलिए वर्ड ये है, मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो द मियोसिस फॉर्म फोर मेगास्पोर बन गए, वन मेगास्पोर एनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम, एक ही मेगास्पोर रहता है, बाकी सब चले जाते हैं मेगास्पोरेंजियम के अंदर चले जाते हैं, एंड क्या होता है, और मेगास्पोर डेवलप इनटू, फिर डेवलप किस में होता है, मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, उससे क्या बनता है, मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, किससे, मेगास्पोर से क्या होता है, मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, और उससे क्या बनते हैं, दो या दो से ज्यादा अर्चिगोनिया बनते हैं, फोर मेगास्पोर थे, फोर में से एक बचता है, और वो क्या होता है, ओवल के अंदर नहीं तो न्यूसिलस के अंदर क्या होता है, बंद होता है, और बंद होने के बाद क्या होता है, इसका डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट होकर क्या होता है, मल्टीसेलुलर एक स्ट्रक्चर बनता है, राइट, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनता है, उसी को हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, उसके अंदर दो या दो से ज्यादा क्या रहते हैं, आर्चिगोनिया रहते हैं, मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजियम, जाहिर सी बात है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही क्या था, विद इन द मेगास्पोरेंजियम, एक मेगास्पोर मदर सेल ने क्या कर दिया, एक मेगास्पोर मदर सेल थी, उसने खुद का डेवलपमेंट किया, और डेवलपमेंट करके क्या हो गया, उसी के अंदर क्या बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये बाहर का जो आवरण दिखाया वो क्या है, ये बाहर का चीज मेगास्पोरेंजियम है, और अंदर का फीमेल गैमेटोफाइट है, तो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजियम, इसके अंदर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट विद इन द मेगास्पोरेंजियम। ओके,
और इसी के अंदर आपको क्या मिलते हैं ये, और ये किससे बना, तो किससे बना, तो ये बना आपके मेगास्पोर से बना, और इसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, दो आर्चिगोनी मिलते हैं, ये बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए, द मेल एंड और फीमेल कोन मे बर्न ऑन द सेम ट्री, अभी कभी कभी सेम ट्री पे मेल एंड फीमेल कोन ग्रो करते, किसके अंदर, इट हैपेंस इन टर्म्स ऑफ पाइनस, ये पाइनस के अंदर होता है, और ऑन डिफरेंट ट्री, या फिर डिफरेंट डिफरेंट ट्री पे ग्रो कर सकते हैं साइकस के अंदर, ठीक है, इसको हम देखेंगे बाद में। Unlike bryophytes, pterophytes, and in gymnosperm, the male and female gametophyte do not have independent free living existence. देख रहा था? Male और female gametophyte का क्या रहता है? Free living रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. They remain on the sporangia and retain the sporophyte. देखो ना, male gametophyte separate रहता है. Prothallus वगैरह ऐसा कुछ condition नहीं इसके अंदर. ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? So they remain within the sporangia. Sporangia के अंदर रहते हैं. And retain the sporophytes. So, ye sporangia. Okay. So, they do not have the independent free living existence. They remain within the sporangia. Sporangia ke andar hi rehte female gametophyte or male gametophyte. Okay. Aur fir sporophyte ke andar retain hota hai. So, pollen grain released from the microsporangium. Microsporangium se pollen grain aayega. Are carried by the air current. Air se aata hai. Fir ovule ke upar मीटिंग होता है। तो पोलन ग्रेन कैरीज द मेल गैमेट, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट रहता है, ये आपका पोलन ग्रेन, उसके अंदर क्या रहते हैं, मेल गैमेट रहते हैं, मेल गैमेट ग्रो टुवर्ड्स द आर्चिगोनिया, देखिए आर्चिगोनिया की तरफ जा रहा है, देखो ये, देखो ये पोलन ग्रेन है और उसके अंदर क्या है आपको, दो मेल गैमेट, स्पर्म मतलब मेल ग्रेन है ना, और कहां जा रहा है, आर्चिगोनिया के अंदर, और एक ही आर्चिगोनिया के साथ फ्यूज करता है, ठीक है, आर्चिगोनिया इन द ओवल and discharge near the mouth of archegonia, archegonia ke pas nazdik discharge karta hai, after fertilization zygote develop into embryo, zygote ka development embryo mein hota hai, aur embryo develop into what, embryo and the embryo ovule in the seed, fir kya hota hai, embryo ke andar development hoga aur baad mein conversion kiska hoga, iska seed mein convert hoga, that's all, is tarike se bataya gaya, theek hai, this is the life cycle, ha chalo honestly bolo kitne log kitna samajh mein aa gaya, main janta hu hum here confused, कंफ्यूजन तो होगा, आई नो वेरी वेल, लेकिन फिर से बताऊंगा, चिंता मत करना, लिख के बताऊंगा, हो गया चैप्टर खत्म हो गया, एंजियोस्पर्म बहुत आसान है, यस, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, सिराज 85%, राधिका क्लियर है, क्या बात कर रहे हैं, कंफ्यूजन तो होना है, जाहिर सी बात है, कितने लोगों कुछ भी समझ नहीं आया सर, क्या चला, कुछ समझ नहीं आया, होना चाहिए, देखिए है टॉपिक ऐसा, ओके अदर्स आर गेटिंग फुल्ली, समझा थोड़ा, ओके बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पर देखो क्या है ना, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, टॉपिक ऐसा है, ऐसा नहीं कि हो गया खत्म हो गया, ऐसा नहीं, समझ जा, बट थोड़ा कंफ्यूजन, हाँ चलो ठीक है, वो बता देंगे, वो बता देंगे, ये होगा इतना ही है, ये बाकी आपका एंजियोस्पर्म इज लाइक बाएं हाथ का खेल, वो यूं हो जाएगा, वो बड़ी चीज नहीं है, वो आराम से हो जाता है, और ये आपके हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है, सो जस्ट वन मिनट वेट, थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा लाइव बंद करता हूँ, थोड़ा वेट कीजिए, 10 मिनट है, सो वर्ड में कन्फ्यूजन, वर्ड में वही 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 वर्ड में कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए बोल रहा था मैं, जब तक लिख के नहीं समझेंगे ना उस